है गाइज वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल लर्निंग टर्मिनल सो एज यू कैन सी दैट दिस इज़ द पार्ट थ्री ऑफ आवर डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज़ तो इससे पहले दो वीडियोज़ आ चुके हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख ले लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर जितने पेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं ऑलरेडी जो है वो शेयर कर चुका हूँ आपको मिल चुका हुआ यह वीडियो ठीक है बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए वरना जो भी अपडेट्स आपके आने वाले हैं जे एम आई एम यू एम के रिगार्डिंग वो आपको नहीं मिलेंगे ये डेटा इंटरप्रिटेशन का वीडियो आपके सारे एम बी ए में काम आएंगे ठीक है जो भी एम बी एंट्रेंस होता है सब सबके लिए कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कोई भी एम बी एंट्रेंस हो या फिर कोई भी एग्जाम जहाँ डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं तो उसके उसमें जो ये सारे कंसेप्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ठीक है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ठीक है ताकि कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपडेटेड रहोगे खासकर जे एम आई एम यू एम बी ए जो कर रहे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए उनके लिए ठीक है तो देखो ये क्वेश्चन है ये ए एम यू का क्वेश्चन है ठीक है इससे पहले जो हमने वीडियोज़ किए थे उसमें हमने जे एम आई के क्वेश्चन देखे थे बेसिकली देखो जे एम आई का जो क्वेश्चन होता है वो वो वन स्टेप अहेड होता है वन स्टेप मत को आप टू स्टेप थ्री स्टेप्स कर लो जो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन होता है जामिया का वो टफ होता है कंपेयरिंग आपका ए एम यू ठीक है ए एम यू का जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन होता है वो थोड़ा इजियर होता है तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एक ए का क्वेश्चन है ट्वेंटी ट्वेंटी यानी कि अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ था ये उसका क्वेश्चन है तो हम देखेंगे ये देखो बहुत सारा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एक कंसेप्ट इसमें है थोड़ा सा तो उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर समझा रहा हूँ ठीक है कि आपको समझ आनी चाहिए कि चीज़ें कितनी आसान होती है तो ये देखो इस क्वेश्चन में एक पाई चार्ट है इसमें कुछ आपको सेक्शन दिए हुए हैं और इसके बेस बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन नीचे पूछे गए ठीक है तो इसमें क्वेश्चन क्या है गया द फॉलोइंग चार्ट शोज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जनरेटेड फॉर इंडिया बॉन्ड्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स ठीक है तो ये इन्वेस्टर्स की कैटेगरीज़ है और ये टोटल इंडिया के ये 100 परसेंट का जो बॉन्ड है इसमें इनका शेयर है ठीक है जिसमें एफ आपके थर्टी है ऑफ शोर फंड सिक्सटीन और ऐसा ही करके कारपोरेट हाउस थर्टी और एन फंड्स आई एलेवन परसेंट है ठीक है तो देखो एक कंसेप्ट क्या होता है एक कंप्लीट सर्कल जो होता है इसका जो सेंटर एंगल होता है ये आपको पता होता है थ्री सिक्सटी डिग्री होता है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट यही है ठीक है ये जो आपका एक कंप्लीट सर्कल का कितना होता है जैसे एक स्ट्रेट लाइन का ये होता है वन एट्टी डिग्री आपको पता होगा तो उसको ऐसे आप घुमाओगे तो एक सर्कल का जो एंगल होता है दैट इज थ्री सिक्सटी डिग्री तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इन द कॉरपोरेट सेक्टर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डिग्रीज शुड बी देयर इन द सेंट्रल एंगल तो देखो कॉरपोरेटर सेक्टर में आपका कितना है कॉर्पोरेट सेक्टर आपका थर्टी फोर परसेंट है थर्टी फोर परसेंट किसका इस पूरे का ही तो थर्टी फोर परसेंट है तो थर्टी फोर परसेंट आपको बेसिकली क्या निकालना थर्टी फोर परसेंट ऑफ कितना थ्री सिक्सटी क्योंकि टोटल तो थ्री सिक्सटी होता है ना तो ये आपका आ जाएगा वन ट्वेंटी टू पॉइंट फोर जो कि आपका ये ऑप्शन होगा वन ट्वेंटी टू ठीक है इतना आपका आंसर आएगा इस तरह से आपको देखना है ईजी क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है बहुत ईजी है अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाई एन आर आईज आर फोर थाउजेंड करोर देन इन्वेस्टमेंट मेड बाई कारपोरेट हाउसेज एंड एफ आई आई आइज टूगेदर इज ठीक है देखो ये सिर्फ परसेंटेज ब्रेकअप है कितने का है ये नहीं दिया हुआ है लेकिन अब आपको बता रहा है कि एन आर आई जो है ये ये एन आर आई जो एलेवन परसेंट है ये चार हजार करोड़ है ठीक है तो एन अगर चार हजार करोड़ है तो पूछ रहा है कॉरपोरेट हाउस यानी कि ये थर्टी फोर परसेंट और एफ यानी कि ये थर्टी थ्री परसेंट टोटल थर्टी फोर प्लस थर्टी थ्री दैट इज सिक्सटी सेवन परसेंट तो अगर एलेवन परसेंट इज फोर थाउजेंड तो सिक्सटी सेवन परसेंट इज वॉट बस सिंपल सा यही क्वेश्चन है तो आपको मिल आपको यूनिटरी मेथड से पता होगा सिक्सटी सेवन परसेंट इज इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा सिक्सटी सेवन फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाई एलेवन ठीक है ये आपका आ जाएगा टू फोर थ्री सिक्स थ्री पॉइंट समथिंग 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 तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा आपका आंसर ठीक है देखो एक और भी आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ इसको करने का कैलकुलेशन जितना फास्ट आप करोगे उतना ज़्यादा आपको जो है चीज़ें आसान होंगी ठीक है तो देखो एलेवन परसेंट इज इक्वल्स टू आपका फोर थाउजेंड है ठीक है और आपको 67 परसेंट निकालना है आप सिंपली सिक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 66 परसेंट हो जाएगा और ये 24,000 हो जाएगा ठीक है तो अब 24,000 से जस्ट ऊपर का नंबर चाहिए क्योंकि आपको 67 परसेंट चाहिए ना तो अगर 66 पे इतना आ रहा है तो 67 पे कितना आएगा इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा तो इससे थोड़ा सा ऊपर कौन सा है इससे थोड़ा सा ऊपर ये है देखो ये तो 25 चला जाएगा ये ज़्यादा हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा ये कम हो जाएगा तो ऑप्शन में सबसे कम कौन सा है सबसे मतलब 24 के आसपास सबसे ऊपर कौन सा है ये है ट्वेंटी फोर थ्री सिक्सटी थ्री तो इस तरह से भी आप जो है वह आंसर्स दे सकते हो ठीक है अब देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इज कमिंग फ्रॉम एफ और एनआरआईज ठीक है बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है देखो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको ए में आते हैं ठीक है जामिया में आप मत एक्सपेक्ट करो कि इतना आसान क्वेश्चन आएगा लेकिन हाँ ए में ऐसा ही आता है बिकॉज आपका दो आर का मात्र पेपर होता है ठीक है हाँ सौ क्वेश्चन होते हैं तो उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया जाता है लेकिन जामिया में ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा एकदम आप ये लिख के ले लो ठीक है तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल जो एफ और एन का जो है वो क्या कंट्रीब्यूशन है ठीक है तो एफ आपका थर्टी है एन आपका एलेवन है थर्टी प्लस एलेवन कर दोगे फोर्टी फोर परसेंट आ जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है ये आपका आंसर हो गया इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट अदर देन एफ आई एंड कॉर्पोरेट हाउसेज इज थ्री हंड्रेड थर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ देन द इन्वेस्टमेंट बाई एन आर आई एंड ऑफशोर फंड विल बी अप्रोक्सीमेटली वॉट ठीक है तो देखो एफ आई आई एफ आई आई इज थर्टी थ्री परसेंट एंड योर कॉर्पोरेट हाउसेज आर थर्टी फोर परसेंट ठीक है एफ आई आई एंड कॉर्पोरेट हाउस तो कॉरपोरेट हाउस आपका कितना है आपका थर्टी फोर परसेंट है इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट अदर देन एफ आई आई एंड कॉरपोरेट हाउसेज तो एफ आई आई और कॉरपोरेट हाउस को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होगा थर्टी फोर प्लस थर्टी थ्री देट इज योर सिक्सटी सेवन तो अदर देन पूछ रहा है तो अदर देन कितना बचा है हंड्रेड माइनस सिक्सटी सेवन तो थर्टी थ्री परसेंट तो थर्टी थ्री परसेंट आपका इतना है थ्री थ्री फाइव थाउजेंड करोड़ ठीक है तो आपको ये पूछ रहा है कि इसमें जो है आपका इन्वेस्टमेंट बाई एनआरआई एंड ऑफशोर फंड तो एनआरआई आपका 11% परसेंट और ऑफशोर है 16% परसेंट तो 16 प्लस 11 27% परसेंट तो आपको अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था ये देखो ये वाला क्वेश्चन ये जैसे हमने यूनिटरी मैटर की तरह इसको लगा के बनाया था सेम उस तरह से भी हम इसको कर देंगे तो ट्वेंटी हमारा कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन परसेंट हो जाएगा हमारा ट्वेंटी सेवन इंटू थ्री थर्टी फाइव थाउंड कर एंड डिवाइडेड बाई थर्टी थ्री ठीक है तो ये आपका कितना आएगा इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग आपका आएगा टू सेवन फोर ज़ीरो नाइन ज़ीरो इस इसके आसपास आएगा लमसम में तो आपका जो ये ऑप्शन है ये ज़्यादा सटीक है या अब अगर देखो ऑप्शन में नन ऑफ द एवाओ होता तो आप नन ऑफ द एवाओ लगाते लेकिन सबसे करीब कौन है सबसे करीब ये है तो आप इसको टिक कर सकते हो ठीक है इसके बाद ये थोड़ा सा एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत आसान है देखो अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एफ आई आई जो है अगर डबल हो जाता है नेक्स्ट ईयर ठीक है तो उसका जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है पूरे में वो कितना परसेंट से बढ़ जाएगा ठीक है तो देखो एक चीज़ आप समझो कि एफ आई आई जो है वो करेंटली कितना है थर्टी थ्री परसेंट है अगर ये डब दब... थर्टी थ्री परसेंट कितने हैं सौ में है ठीक है तो अगर ये डबल हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा थर्टी थ्री प्लस थर्टी थ्री आउट ऑफ हंड्रेड प्लस थर्टी थ्री क्योंकि थर्टी थ्री यहाँ भी तो बढ़ेगा टोटल बढ़ रहा है ना तो आपका टोटल यहाँ भी थर्टी थ्री बढ़ गया तो अब ये सिक्सटी सिक्स हो गया और ये वन हंड्रेड और ये आपका वन हंड्रेड और थर्टी थ्री हो गया ठीक है तो अब देखो वन हंड्रेड थर्टी थ्री अब से सिक्सटी परसेंट सिक्सटी सिक्स इज़ वट परसेंट ऑफ वन थर्टी थ्री इसमें इसका कितना कंट्रीब्यूशन है तो सिक्सटी सिक्स और 66 आपका 132 होता है लाइक जो कि है लगभग 50 परसेंट मतलब 50 परसेंट तो थोड़ा सा ज्यादा तो यहाँ पे देखो 40 परसेंट तो नहीं होगा तो 50 परसेंट होगा आपका ठीक है 50 परसेंट स्ला, स्लाइटली ज्यादा है तो इसलिए 50 परसेंट ठीक है इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है इसमें आपको पूछ रहा है वट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लोज इंटू इंडिया बॉन्ड्स फ्राम एनआरआई टू कॉर्पोरेट ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन आप एन देखो कितना है एलेवन है और आपका कॉरपोरेट कितना है थर्टी फोर है तो एलेवन बाई थर्टी फोर अप्रॉक्सीमेटली अगर एलेवन बाई थर्टी थ्री लिख दे तो कितना हो जाएगा वन एच टू थ्री हो जाएगा ठीक है वन एच टू थ्री वन एच टू थ्री आपका आंसर हो जाएगा ठीक है इसी तरह से आपका क्वेश्चन बनता है देखो ए में बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आता है अब इसी ईयर देखो ए एम जामिया क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको कि जी के क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े से अपर होंगे थोड़े से टफ होंगे ठीक है तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आप समझो ठीक है ये भी एक कंसेप्ट है आपको समझने के लिए इससे पहले जो भी मैंने वीडियो बनाया है जो भी मैंने आपको बार बार दो वीडियोज जो दी हैं पार्ट वन और पार्ट टू जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप जाके उसको देख सकते हो तो वहाँ हमने ऐसे कुछ क्वेश्चन किए हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है इसलिए हम इसको कर रहे हैं देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ठीक है थीके? तो देखो इसमें आप देख रहे हो कि कुछ ग्राफ है लेकिन ग्राफ पे जो है वो कंटिन्यूस डेटा नहीं है ठीक है डेटा जो है समथिंग कहीं कहीं पे जो डेटाज आर मिसिंग जैसे आप ये देखो ये कंटिन्यू एक डेटा है 2008 का ये 2009 का ये देखो आप सॉरी ये 2009 थाउजेंड नाइन यहाँ टू आपका गायब है फिर आपका टू है फिर आपका एलेवन गायब है फिर आपका ट्वेल्व जो है 13 का डेटा गायब है और आपका 14 का जो डेटा वो है. है ठीक है तो ये डेटा जो गायब है इसको हमको फिल करना है बेस्ड अपन दिस ग्राफ ठीक है इस ग्राफ के इस पर आपको जो है पूरा देखना पड़ेगा ठीक है तो हम वही देखेंगे कि कैसे इसको हम अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को ठीक है तो देखो सबसे पहले हमारा पूछ रहा है कि व्हाट वाज द टोटल रिवेन्यू इन 2011 अब देखो एक चीज़ आप समझो कि जहाँ देखो 2010 में तो है 2010 में तो भाई इतना है अगर पूछता कि 2010 का कितना रिव्यू था तो हम सबको ऐड कर दे सारे नंबर को और हमारा आ जाता लेकिन 2010 का जो है वो डेटा आपको यहाँ दिया हुआ है लेकिन 2011 जो है आपका मिसिंग है बट एट द सेम टाइम आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ का चार्ट है उसमें जो है वो टू से टू का जो है ग्रोथ परसेंट या फिर डिक्लाइन परसेंट जितना बढ़ा या घटा वो आपको यहाँ पे मैंशंट है ठीक है तो उसी तरह उसी तरह से देखो सिंपल सा प्रॉफिट परसेंट सॉरी परसेंटेज का क्वेश्चन है ये ठीक है कि परसेंटेज के इस पर इसको बनाएंगे तो अब देखो सबसे पहले आप लेदर देखो 2010 में लेदर की रेवेन्यू कितनी थी लेदर हमारा किस कलर में लेदर ये वाला कलर है तो लेदर 230 है ठीक है ये वाला लेदर है उसके बाद हमारा फार्मा है येलो वाला फार्मा हमारा कितना है फार्मा हमारा टू है देखो यहाँ पर टू है इसके बाद हमारा पेपर है पेपर हमारा ये है ग्रेइस वाला तो हमारा 155 है तो इसी तरह सब चीज़ें हमने मेंशन कर दी ठीक है अब ये जो टोटल रेवेन्यू है ये 2010 का है इतना 2010 का रेवेन्यू है ठीक है लेकिन अब देखो यहाँ पे ग्रोथ परसेंट दिख रहा है कि देखो लेदर का जो है यहाँ टू आप देखो यहाँ पर ठीक है एलेवन में ठीक है ना 2011 ही सही तो निकालेंगे तब तो निकलेगा अब लेदर देखो लेदर हमारा कौन सा ये येलोइश है ये ऑरेंज टाइप का जो है तो ये हमारा लेदर का है तो लेदर माइनस टेन पॉइंट नाइन हो गया उसी तरह फार्मा हमारा येलो वाला है तो ये देखो फार्मा हमारा कहाँ है येलो वाला ये यहाँ है ये आपका टेन पॉइंट टू परसेंट है ठीक है टेन पॉइंट टू परसेंट से बढ़ा है तो ये पॉजिटिव है उसी तरह पेपर माइनस वन पॉइंट नाइन जीरो है यहाँ और उसी तरह आपका टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है थर्टी पॉइंट फोर जीरो परसेंट से तो हम इसको हैं ठीक है देखो टेन पर अगर इसका जो ग्रोथ है इसको अगर टू टू हंड्रेड थर्टी में से हम माइनस टेन पॉइंट नाइन जीरो परसेंट करते हैं तो इतना आएगा उसी तरह इसमें अगर देखो टू ट्वेंटी फाइव में अगर अप्रोक्सीमेटली हम टेन परसेंट ऐड करेंगे तो ये ट्वेंटी फाइव होता है टू फिफ्टी के आसपास आएगा ठीक है तो यहाँ पे इसको हम 25 जब ऐड करेंगे तो 250 के आसपास आएगा तो उसी तरह देखो सारा जो है आपको वैल्यू यहाँ पे निकालना है ठीक है ऑन एन एवरेज यहाँ पे ऐसा अगर निकालोगे 225 पे आप अगर 10 परसेंट ऐड करोगे 10.20 परसेंट तो आपको इतना आएगा उसी तरह 155 पे आप थोड़ा सा 2 परसेंट के आसपास माइनस करोगे तो इतना आएगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है अगर ऑप्शन में देखो आपको अगर करीब करीब के आंसर्स होते जैसे ट्वेंट सेवन ट्वेंटी तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेना पड़ेगा लेकिन अगर ऐसा नहीं तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कैलकुलेट जल्दी जल्दी कर सकते हो आपको अगर ऑप्शन में सेवन ट्वेंटी फाइव एट ट्वेंटी फाइव नाइन सेवेंटी टू या ऐसे करके जब ऑप्शन में कुछ गैप्स ज़्यादा हो, तो आप जो है जो एक सॉलिड नंबर कोई भी ले सकते हो जैसे यहाँ तो आप यहाँ पे 205 ले सकते हो ताकि बाद में जो है कैलकुलेट करने में आसानी हो तो उसी तरह जब हम इसका सारा रेवेन्यू जब निकाल लेंगे इसको करेंगे, तो इक्वल टू एंड करोड़ ठीक है तो इसी तरह आपका ये क्वेश्चन बनेगा सेम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन द ईयर वाज द शेयर ऑफ द देश ऑफ द डिवीजन फार्मा अब 2013 में जो है फार्मा के क्या थे डिवे? मतलब रेवेन्यू का जो परसेंटेज है वो फार्मा में कितना था ठीक है तो देखो 2012 का हमारा हमको पता है ठीक है ये हमारा 2012 का ही है ये पूरा का पूरा ठीक है ये 2012 हज़ार बारह का लेकिन 13 पे यहाँ पे गायब है तो 13 पे हम यहाँ देखेंगे यहाँ हमारा परसेंटेज दिया हुआ है जैसे हमने पिछला निकाला था अभी अभी तुरंत हमने जब रेवेन्यू निकाला उसी तरह हम सारा रेवेन्यू निकालेंगे ठीक है 2000 2012 में यानी 2012 में लेदर का जो था 232 था ग्रोथ इतना हुआ तो अब जाके रेवेन्यू इतना हुआ ठीक है अब जाके रेवेन्यू इतना हुआ उसी तरह सब का निकालेंगे तब जाके हमारा रेवेन्यू शेयर निकलेगा जब हम पूरा निकाल लेंगे तभी तो हमारा रेवेन्यू शेयर निकलेगा ना ठीक है तो अब देखो इसका जो हमने निकाल लिया लेदर का फार्मा हमने निकाल लिया उसी तरह उसी तरह हम पेपर का निकालेंगे उसी तरह टेक्नोलॉजी का निकालेंगे तो टोटल तो 2013 का रेवेन्यू 706 आएगा अब देखो अब परसेंटेज हमको निकालना है फार्मा का तो फार्मा में हमारा 156 है तो निकालना है 156 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सेवन ठीक है तो फिफ्टी सिक्स इज ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ सेवन हंड्रेड एंड सिक्स इसी तरह ये आपका आंसर बनेगा अब देखो ये आप सोचो कि ये कैसे ये मत सोचना कि कैसे बना देखो बेसिक सा कंसेप्ट है अगर इतना नहीं समझ में आ रहा तो बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ठीक है तो वाट परसेंट ऑफ सेवन जीरो सिक्स इक्वल्स टू वन फिफ्टी सिक्स यही तो पूछ रहा है तो एक्स परसेंट ऑफ सेवन जीरो सिक्स इक्वल्स टू वन हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स तो एक्स इक्वल्स टू वन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स इन टू हंड्रेड बाई सेवन हंड्रेड एंड सिक्स इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये आपका बाईस परसेंट आएगा ठीक है ऐसे ये निकलता है इसके बाद देखो अब ये क्वेश्चन क्या है देखो ये को, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ जी एम आई के क्वेश्चन टफ आएंगे देखो कितना लेंदी या कितना टाइम टेकिंग क्वेश्चन है लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसको फट से निकाल सकते हो ठीक है इसमें पूछ रहा है विच ईयर सो द हाइस्ट परसेंट ग्रोथ इन द रेवेन्यूज ओवरऑल तो अब ओवरऑल का पता तो तभी चलेगा जब सारे ईयर के सारे ईयर के सारे ईयर के आपको जो है रेवेन्यू पता हो ठीक है तो अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो है 2009 और 15 का तो निकाल लिया ठीक है ये अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया उसी तरह अब हम पूरे के पूरे टेबल को कंप्लीट करेंगे बाकी जो हमारा तो ऑलरेडी तो गिवन है 2008 का गिवन है 10 का गिवन है 12 का गिवन है 14 का गिवन है तो उसी तरह से हम 15 का भी अब निकालेंगे जैसे यहाँ हमने निकाला उसी तरह हमने यहाँ पे 8 से 9 का निकाला और पीछे हमने अभी निकाला था दो ये वाला 2009 और 2011 का हम निकाल चुके तो अब हम इसको जब एक टेबुलर फॉर्म में डालेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा ठीक है ठीक है तो हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि ओवरऑल रेवेन्यू कितना है मतलब रेवेन्यू का डिफरेंस नहीं पूछ रहा अगर रेवेन्यू का डिफरेंस पूछ रहा होता तो हम यहाँ से देख के बता देते ठीक है ये सिर्फ हमारा रेवेन्यू है लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि विच ईयर सॉ द हाइस्ट परसेंटेज ग्रोथ इन रेवेन्यू ओवरऑल तो यहाँ से यहाँ अठारह का ग्रोथ है यहाँ से यहाँ पंद्रह यहाँ से तीन अब यहाँ से माइनस वन माइनस टू फाइव और टू तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ है यहाँ पे है यानी कि 2009 में तो 2009 जो है हमारा आंसर हो गया ठीक है इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन बनता है आई होप आपको समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ लो या फिर व्हाट्सअप पर मुझसे पूछ सकते हो या फिर हमारे जितने पेड़ स्टूडेंट्स अगर हो तो उनके ग्रुप में आप जो है क्वेश्चन को डाल सकते हो वहाँ हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ठीक है अब देखो इस सेट का एक लास्ट क्वेश्चन है द प्रॉफिट मार्जिन बाई डिविजन्स इन द ईयर टू थाउजेंड फोरटीन एंड फिफ्टीन आर गिवन इन द टेबल बिलो देखो अब इस तक इसका कुछ मतलब ही नहीं है सीधा से आपको यह दिया हुआ है कि लेदर में जो है वो टेन परसेंट का ग्रोथ हुआ है टू थाउजेंड फोर्टीन में पेपर में ट्वेल्व परसेंट में फार्मा में फिफ्टीन परसेंट में टेक्नोलॉजी में चौबीस में परसेंट इसी तरह सारा ये दिया हुआ है ठीक है तो टू थाउजेंड फोर्टीन के प्रॉफिट हम निकालते हैं तो लेदर का जो रेवेन्यू था टू थाउजेंड फोर्टीन में वो कितना था लेदर का हमारा रेवेन्यू कितना है टू थाउजेंड फोर्टीन में ये 262 है ठीक है तो 262 हमारा है उस पर हमारा प्रॉफिट मार्जिन 2014 में अगर 10 परसेंट देता है तो हम इस पर 262 प्लस 62 टू यहाँ पर अगर करेंगे इसका 10 परसेंट अगर प्रॉफिट मार्जिन है तो प्रॉफिट कितना होगा 26.2 होगा ये प्रॉफिट मार्जिन है कि इतने रेवेन्यू में अगर इतना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन हमारा है तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है दो सौ पे अगर हम 10 परसेंट का प्रॉफिट कमाते हैं तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा छब्बीस रुपये बीस पैसा होगा ठीक है यही इसका कंसेप्ट है उसी तरह फार्मा में अगर हम देखते हैं तो फार्मा ये हमारा एक है 180 पे आपको जो है 15 परसेंट बढ़ाना है तो 180 पे आप 15 परसेंट बढ़ा लो तो ये हो जाएगा उसी तरह आपका पेपर उसी तरह टेक्नोलॉजी ओवरऑल आप जब निकालोगे तो प्रॉफिट इतना आएगा सेम आप देखो 2015 में सेम आप 2015 में ये आपके पूरे परसेंटेज है 2015 में आप चलो यहाँ ठीक है 2015 में अभी हम देखे थे हमारा जो रेवेन्यू है तो कितना है रेवेन्यू हमारा 270 सौ सत्तर करोड़ ये टू हंड्रेड ठीक है ये हमारा 270 है अभी हमने देखा था ठीक है उसी तरह हमारा फार्मा कितना आएगा फार्मा हमारा 188 आएगा ठीक है उसी तरह हमारा पेपर इतना है ये इतना है और ये इतना था ठीक है यहाँ से देखो इस वाले से हमने ये सारा डेटा जो है वो निकाला है ठीक है 2015 से सॉरी 2015 से ये वाला सॉरी 2015 से ये वाला ये वाला वो 14 था ये 15 है ये 2015 से इससे हमने अब प्रॉफिट जो है यहाँ पे दिया हुआ है इसको हमने यहाँ पे डाला उसी तरह प्रॉफिट मार्जिन से हमने प्रॉफिट निकाला तो हमारा इतना आया तो अभी ये यह यहाँ 2014 में 110 पे है और यहाँ पे आ गया 106 पे यानी कि डिक्लाइन हुआ तो कितने परसेंट का डिक्लाइन हुआ डिक्लाइन हुआ तीन परसेंट का तो ओवरऑल ग्रोथ कितना हुआ ओवरऑल ग्रोथ हुआ माइनस तीन परसेंट अगर डिक्लाइन पूछेगा तो डायरेक्ट तीन परसेंट और ग्रोथ पूछेगा तो माइनस तीन परसेंट ठीक है अब देखो आप ये भी यार मत पूछना कि ये कैसे निकलता मैं बता देता हूँ कि ये निकलता कैसे है देखो अगर आपका प्रीवियस टू करेंट अगर पूछता है ठीक है तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस इन टू हंड्रेड बाई प्रीवियस ठीक है इस तरह से ये आपका परसेंटेज निकलता है ये आपका परसेंटेज देता है तो यहाँ पे हमारा 110, 106 तो 110.1 माइनस 106.8 करेंगे जो भी वैल्यू आएगा वहाँ उसको वहाँ पे डालेंगे उसके बाद इंटू करेंगे 100 से और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू यानी कि ये पिछले साल वाला 2014 वाला तो 110.1 जो भी ये आएगा वही आपका आंसर होगा तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा माइनस थ्री परसेंट ठीक है तो देखो ये भी एक कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गया हो तो अभी तक देखो जितने भी कंसेप्ट हैं आपके ठीक है जितने भी आपके कंसेप्ट है जे आई और एम यू के डेटा इंटरप्रिटेशन के वो मैंने आपके करा दिए अब आपके ऊपर है कि आप कितना समझते हो कितना प्रैक्टिस करते हो और कितना वीडियोस को बार बार समझते हो ठीक है देखो ये जो तीन वीडियो है ना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे के सारे कंसेप्ट इस तीन वीडियो में मैंने आपको करा दिए हैं आपके जे और एम के रिगार्डिंग ठीक है ये अगर आप कर लोगे इतना आपका जो डी का सेक्शन है वो आराम से निकल जाएगा एकदम ईजी वे में निकल जाएगा इसके अलावा भी जो भी हमने पढ़ा है उसमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है है, वो हम डिस्कस करेंगे अपने पेड ग्रुप के साथ ठीक है तो अब जो भी स्टूडेंट्स हो हमारे पेड ग्रुप में आपको वो सब बेनिफिट मिलेगा ठीक है चलो तो खत्म करते इस वीडियो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी बाय बाय टिल देन हैप्पी लर्निंग